Hello people, welcome to the session. I am Rachita Sarjdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. So I hope you all are must and swast. So guys, kya public, Are you all ready to solve some chemical loudspeaker with me? आई आई एम श्योर येस यू विल भी सो टडे वी विल भी डूइंगमिकल रिएक्शन एंड एकवेजन्स के ऑल एन सी आर टी क्वेश्चन सो एज़ अभी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के भी एज वेल एज़ आपके स्कूल में भी एन सी आर टी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो इफ़ यू रिवाइज दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आप ये सेशन से अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो गे आई डोंट थिंक सो यू हैव टू डू एनी मोर यू आर ऑल सेट For your exams with this particular chapter. So let's get ourselves started. Okay, gee, we'll be doing all NCRT questions. Again, I have a beautiful message for you, beautiful people out there. पर्जियरेंस एंड फोकस आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस भाई हिलना नहीं है अपनी जगह से यू हैव टू बी फोकसड यू हैव टू हैव सर्टन एम एंड सक्सेस तो भाई झक मार के तुम्हारे पास आएगी या सो आई होप यू ऑल रिमेंबर फ्रॉम वेयर एम दिस आई एम पिकिंग दिस लाइन सो भाई बस लगे रहो मुन्ना भाई सब कुछ आएगा तुम्हारे कदमों में आएगा ओके okay.

आप लोग एग्जाम में ऐसी चीजों को अंडरलाइन करोगे पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में और देखो कि आप ये चीज़ नहीं भूलो सो बी फोकस्ड ऑन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है सो दे हैव एक्चुअली आज अबाउट इन करेक्ट स्टेटमेंट तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है लिख लो अपने पास एक टिप लिख लो प्रोडक्ट में से आंसर ना ही मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट से आंसर कभी नहीं मिलता सीधा सीधा बिना टाइम वेस्ट करें आप इसका आंसर निकाल सकते हो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं लिखा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस भाई प्रोडक्ट कभी रिड्यूस नहीं होता रिएक्टेंट होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ना ही भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा सो so, देखते ही हमें पता चल जाएगा ए और बी नॉट राइट गड़बड़ है। सो ऑप्शन आई होप यू लोग लेड की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, है ना लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोले तो रिडक्शन हुआ है अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, isn't इट जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वही ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, और जिसका रिडक्शन होता है, वही रिड्यूस्ड होता है। तो so यही पर ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व है। सौंटे भाई, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट में प्रोडक्ट कभी भी आपका आंसर नहीं होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन में यह आप बात दिमाग में डाल लो प्रोडक्ट से आंसर कभी नहीं आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Fe2O3 प्लस एलुमिनियम गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन दबाव रियाक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है एलुमिनियम क्या यहाँ कहीं धक्का मुक्की कर रहा है बिल्कुल कर रहा है अलुमिनियम आयरन को किक आउट करेगा बिकॉज इसका रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है सो so भाई चलो चलो निकलो है ना आया अलूमिनियम ऑक्साइड बेचारा आयरन बैठा है बाहर अकेला सो दैट मीन्स इट्स अ धक्का मारो रिएक्शन इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन Moving on to the next question on screen. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Ka ho ga Iron fillings ke andar agar hum log hydrochloric acid dalenge, pehle toh socho reaction ho ga bhi ka na hi? तो रिएक्शन तो होगा ऑब्वियसली बिकॉज आयरन का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो बॉस ये इसकी जगह ले सकता है बहुत आसानी से हम जानते हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये फिक्स है ये जनरल रिएक्शन है मेटल एक्टिव होना चाहिए दैट मीन्स अबव हाइड्रोजन होना चाहिए तो आयरन ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे एफ ई सी एल ट्यू अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विल बी मेड ठीक है तो अपना आंसर ढूंढो

जब पानी ही नहीं है तो हाइड्रोक्साइड का भी कोई चांस uh, नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन एंड शुड केमिकल इक्वेजन बी बैलेंस्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होते हैं तो आपके दो साइड ऑफ रिएक्शन होता है एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द एरो जिसे हम कहते हैं तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ बराबर है, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स यू एच टू ओ तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स है एक ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे दो ऑक्सीजन के आटम है राइट सो so, इधर पे नंबर ऑफ एटम्स गड़बड़ टू मेक दम इक्वल वी हैव टू बैलेंस रिएक्शन तो अगर यहाँ पे टू लगा दूर यहाँ टू लगा दू ना इट बिकम्स फोर हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन एटम्स एंड इट बिकम टू ऑक्सीजन तरा दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं दैट्स वीन वी कॉल इट एज अ बैलेंसड केमिकल इक्वेशन बट वाई वी डू दैट भाई पपा का लॉ है पापा को ओबे करना बनता है बहुत ज़्यादा घूमता हुआ जूता आएगा दूर से एंड दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय मिस्टर एंटनी लावस्योर एंड एंटनी लावस्योर इज आर वेरी ओन फादर ऑफ़ केमिस्ट्री और इनको ओबे करना हम लोगों का धर्म है ठीक है so, सो हमें इनको ओबे करना है इन्होंने कहा कि टोटल मास ऑफ़ रिएक्टेंट हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ़ द प्रोडक्ट मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमें हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है तो so, यहां से वापस एक टिप लेते जाओ आपको हर एक रिएक्शन को ओबे कराना है विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक रिएक्शन मीन्स एवरी रिएक्शन इन योर पेपर चाहे आपसे बैलेंसिंग पूछे या ना पूछे आपको बैलेंस करके आना मांगता है दैट्स इट पीरियड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ट्रांसलेट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन जो केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देन ये बहुत आता था पहले पता है क्या करते थे ना ये लोग कुछ साल पहले बैलेंसिंग नहीं पूछते थे बस ये बोलते थे कि वर्ड इक्वेजन को सिम्बॉलिक रिप्रजेंटेशन में डाल दो विच वॉज क्वाइट सिंपल अभी तुम लोग का भी दिमाग बहुत इवॉल्व हो चुका है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो तो इन लोग ने क्या करा कि यार ये तो बहुत सिंपल होता था बच्चों के लिए मनमोह सिंह इसको बैलेंस भी करके छोड़ के जाओ सो नाउ यू हैव टू राइट करेक्ट सिंबल्स करेक्ट फार्मूलाज फार्मूला गलत तो भाई सब गलत सबसे पहले तुम लोगों के फार्मूलाज चेक होते हैं एग्जामिनर आपके फार्मूलाज पे फोकस करता है फार्मूलाज सही होगा तो बैलेंसिंग सही होने के चांसेस ब्राइट होंगे फार्मूला गलत तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो वहीं जीरो डाल के छोड़ देगा सो बी वेरी वेरी केयरफुल बार योर राइटिंग दी फार्मूलाज गलती से भी गलत मत लिख कर आना सो नाव नाइट्रोजन रियक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया है ना एन टू प्लस एच टू गिव यू अमोनिया ये तो करे थ अपन को पता चल गया है लेकिन इसको बैलेंस कैसे करा देखो सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा तरीका है सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो ये सिक्वेंस फॉलो कर लो सेकेंड आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मतलब जैसे कि नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया फॉस्फेरस हो गया बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा नॉन मेटल है उसको बैलेंस करेंगे थर्ड के अंदर आप ऑक्सीजन को कर लो एंड फोर्थ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट दिस इज़ वॉट सीक्वेंस यू शुड फॉलो एक सिंपल ट्रिक है एंड दिस मेक्स योर बैलेंसिंग वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैसी नहीं होगा टाइम भी कम लगता है सो ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल मेटल तो है नहीं छोड़ दो स्किप मारो नाइट्रोजन इज योर नॉन मेटल इसको लेंगे ठीक है नाइट्रोजन को लिया देन उसके बाद हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन टू इधर कितने वन हाइड्रोजन कितने टू इधर कितने थ्री राइट right? तो ऐसा क्या करे नाइट्रोजन में उधर किससे मल्टीप्लाई करे कि नाइट्रोजन टू बन जाए वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी बता सकता है वन को नाइट्रोजन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने गलती से हाइड्रोजन को छेड़ दिया है अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए थ्री इंटू टू है ना सिक्स तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स बन जाए हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स बन जाए एनी वन कैन टेल हाइड्रोजन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को आपका एक कंप्लीट आंसर माना जाएगा सो एन टू प्लस थ्री गिवस टू एनर्जरी और इसके साथ हीट विल ऑल्सो बी रिलीज नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S burns in air, O2 gives you water plus sulfur dioxide. Try this out and do let me know in the chat box. सी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद आलोमियम सल्फेट आलोमिनियम साल्फेट या बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद आलोमिनियम सल्फेट Al2SO4 एल टू होल थ्राइज दैट गिव्स यू आलोमियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 प्लस दैट गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट इज BaSO4 बैलेंस करो कैसे करोगे नेक्स्ट पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस सिंपल पोटेशियम वैसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन रिटर्न दैट गिव्स यू के ओ एच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विथ बर्न्स विद पॉप साउंड प्लस यहाँ पे आपको हीट भी मिलेगी ठीक है दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे तो कुछ जाएगा नहीं इट्स गुड ओनली So balance these reactions and see if you're getting these answers 2 potassium 2 molecules of water gives you 2 KOH and hydrogen gas Here, yeah, 3 barium chloride on the other side it's 2 molecules 2 uh, uh, yeah, molecules of aluminium chloride and 3 molecules of barium sulfate uh, in this H2S reacts with 3 H2 3 O2 gives you SO2 and 2 molecules of water pehla reaction humne as an example all sorted? Chill, chill, pill. I hope you all are happy with your answers. Still, if you find any difficulty, try it again with the same technique. Pehla metal, pin non metal except oxygen and hydrogen. then There is that oxygen and then hydrogen. Moving on to your next question. Balance the following chemical equation. Balancing का practice तुम्हें इतना करा देंगे कि तुम लोग exam में अपने आप balance करके आओगे आओगे भूलोगे ही नहीं बिल्कुल नहीं भूलोगे एच एन ओ थ्री प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर अब यहाँ पे तुम लोग को खुद से वर्ड इक्वेशन को सिम्बॉलिक में कन्वर्ट नहीं करना उसने तुम्हें फीड कर दिया एक इन्फॉर्मेशन कि भाई ये रिएक्शन है सिम्बल्स फॉर्मूला सब हम तुम्हें देंगे तुम बस बैलेंस कर दो तो बैलेंसिंग में क्या करोगे कैल्शियम को पहले बैलेंस करोगे फिर नाइट्रोजन को करोगे फिर ऑक्सीजन को करोगे और फिर हाइड्रोजन को करोगे करके देखो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड दिस इज ऑलरेडी बैलेंस तुम्हारा सी तो भाई ऑलरेडी बैलेंस्ड है तुम्हें कुछ नहीं करना है सिर्फ लिख के जाना ऑलरेडी बैलेंस टाइम बच गया तुम लोगों का यहाँ पे देन बेरियम बेरियम वन आइटम क्लोरीन ओके यहाँ पे गड़बड़ है तो अगर हम यहाँ पे टू एच लगा दें तो दो एंड दो है ना हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन दो गए एक एक बेरियम हो गया सल्फर एक हो गया हो गया डन डन एंड डस्टेड सो तुम्हारा डी बी हो चुका है आई होप दिस विल ऑल्सो यू कैन डू दो सोडियम दो सोडियम ठीक है दो ऑक्सीजन चार पाँच छः ऑक्सीजन हो गए चार और पाँच ठीक है दो और दो चार हाइड्रोजन है अगर यहाँ पे हम ये लगाएं, तो फोर फाइव सिक्स ठीक है सल्फर फिर एक हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है भाई क्विकली वी हैव सॉर्टेड इट पहला अब तुम करोगे क्या हम तुम्हें सब बता दें ओके चेक योर आंसर Two so, molecules of HNO3 gives you one molecule of calcium hydroxide gives you one molecule of calcium nitrate and two molecules of water. Cross check your answers. And rest of them I have already written above. C si wala already balanced hai to likh kar it Do write it down. Already balanced. And lastly it is 2 HCL. That's it. Simple. Yeah. Next. Write the balance kept

रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड सी यू सी एल टू दैट गिव्स यू अलूमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री प्लस कॉपर तो ये डिसप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ बी वाला भी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ खमान गैस पहला वाला इज़ ए टेस्ट फॉर कार्बन डाईऑक्साइड ऐसी चीज़ें दिमाग में लाते रहा करो इस रिएक्शन के और क्या 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 यूजेज हो सकते हैं कौन सा टेस्ट हो सकता है तो एग्जाम्पल्स के साथ साथ बाकी चीज़ें भी रिवाइज होती रहेंगी बेडियम क्लोराइड बी ए सी एल टू K2SO4 that gives you barium sulphate, which is a again precipitate double displacement reaction here and that gives you KCl. Yeah. <clears throat> hmm. KCl. I hope you have killed it man. आई एम मच श्योर डू गिव मी आंसर्स इन द चैट बॉक्स सीक्वेंस में कॉमा कॉमा लगा के भी दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यू हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन मेटल पहले बैलेंस करोगे कैल्शियम पहले करोगे फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन करोगे देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन क्या रहे लास्ट वाले में टू इफ आई पुट टू हियर दैट आई थिंक विल बी सॉर्टिंग एवरीथिंग आउट वाह वाह सब कुछ सॉर्ट हो चुका है यहाँ पे हम्म चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है आलूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड आलूमिनियम प्लस सी यू सी एल टू प्लस ए एल सी एल थ्री प्लस कॉपर ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले मेटल लिया एलुमिनियम ले लो कॉपर ले लो यू कैन टेक एनी कॉपर ऊपर भी ले सकते हो पहले आलूमिनियम uh, भी ले सकते हो इट्स योर चॉइस देन क्लोरिन एलुमिनियम वन योर इट्स वन ठीक है यहाँ पे कॉपर वन है ऑन दी अदर साइड इट इज वन क्लोरिन यहाँ पे टू है ऑन द अदर साइड इट इज थ्री तो भाई वन वन को का है छेड़ना है क्यों छेड़ोगे वन को जब है तो है

टू तो से मल्टीप्लाई करा है नाउ कॉपर हो चुका है सॉरी यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करा है मेरे को मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या बात है बहुत बढ़िया हाँ तो यहाँ पे क्लोरीन को हमने टू से मल्टीप्लाई करा एलुमिनियम कितना बन चुका है टू हमने गलती से एलुमिनियम को छेड़ दिया है तो एलुमिनियम बन गया यहाँ पे टू राइट नाउ कॉपर कितना हो गया यहां पे थ्री तो यहां पे कॉपर को हम थ्री बना सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ थ्री एंड वी हैव डन इट कर दिया है भाई थ्री कॉपर क्लोराइड टू एलुमिनियम टू एलुमिनियम क्लोराइड प्लस थ्री कॉपर स्टेप बाय स्टेप जाने का है दैट्स इट चेक योर आंसर

नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग चिल्ला रहे हो गए उधर से मैम प्लीज मैम प्लीज चलो पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है टाइप ऑफ रिएक्शन आपको टाइप भी बताना है कि फर्स्ट वाला रिएक्शन बैलेंस भी करना है एंड टाइप भी बताना है चलो पोटेशियम ब्रोमाइड के बी आर है ना एक्विस फॉर्म में है प्लस बेरियम आयोडाइड बी ए आई टू फॉर्मूला नहीं पता तो देख लो बेरियम का प्लस टू वैलेंसी होती है आईडीन इज माइनस वन क्रिस क्रॉस करोगे दैट गिव्स यू बी ए आई टू देन दैट विल इन रिटर्न गिव्स यू बी आर आई टू ओ नहीं सॉरी के आई के आई आई बात या दैट गिव्स यू बेरियम ब्रोमाइड बेरियम ब्रोमाइड बी ए बी आर टू प्लस के आई सो इफ यू पुड टू हियर आई थिंक थिंग्स विल बी सॉर्टेड नो डो लगा दिए इधर डो लगा दिया इधर नाउ इट इज सॉर्टेड याटेड नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस भाई प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे बेरियम रोमा का दैट विल बी डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो दोनों चलेगा नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट दैट इज जेड इन सी ओ थ्री होल्ड टाइस दैट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड जेड इन ओ प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड सो इट्स डेफिनेटली अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाईऑक्साइड में डिकम्पोज होता था वही है द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिंक कार्बोनेट दैट विल डिकम्पोज इंटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाईऑक्साइड न हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एच टू प्लस सी एल टू अच्छा आप सुनो सुनो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो ना आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस सी एल लिखाते हो एटम्स तो कृपया करके ये मिस्टेक ना ही करें बिकॉज हाइड्रोजन एज अ मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन अ गैशेज फॉर्म मोनोटॉमिक नहीं होता क्लोरिन इज ऑल्सो नॉट मोनोअटोमिक आपको सी एल टू फॉर्म में नहीं सी एल टू फॉर्म में एग्जिस्ट मिलेगा सी एल फॉर्म में नहीं मिलेगा ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो ऑक्सीजन को ओ मत लिख के आओ विल दे पार्टिसिपेट जब एग्जिस्ट ही नहीं करा तो रिएक्शन कैसे करेगा सो दैट एच टू सी एल टू यू टू एच सी एल एंड इट सीम्स टू बी वट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इट्स कॉम्बिनेशन दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे सिंगल

First one is a double displacement. Second one, it is decomposition already balanced. This one is a combination, and lastly, it is displacement reaction. Please check your answers. If you're right, do let me know in the chat box. So, chak de fateh and congratulations who did absolutely hats off performance. ओके नेक्स्ट वट आज वन मीन्स बाई एक्जोथर्मिक एंड एंडोथॉमिक रिएक्शन गिव एग्जाम्पल अभी सांस में सांस आई होगी हो थैंक गॉड बैलेंसिंग फिनिश हो गई है चलो तो अभी तुम लोग ने बहुत जागरण प्रैक्टिस कर लिया है बैलेंसिंग का आई एम प्रिटी मच श्योर तुम लोग एक भी गलती नहीं करोगे व्हाट इज एक्सो व्हाट इज एंडो हम्म एक काम करो अपना हाथ लो एंड रिस्पायर ऑन देम का फील करे हो तुम बताओ तो जरा क्या फील हो रहा है डू यू फील वॉर्म डू यू फील vapors like moisture इन योर हैंड सो यस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है Exothermic, हीट रिलीज हो रहा है सो so, एक्सोथर्मिक होता है जहां पे हीट इज बीन liberated और evolved आउट थर्म का मतलब क्या है हीट exo का मतलब क्या होता है आउट अगर थर्म का मतलब याद नहीं रहता तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है सर्दियों में थर्मल्स का एड आता है और सर्दियों में ही आता है सिर्फ क्यों आता है थर्मल्स का काम क्या है हीट प्रोवाइड करना तो बस उससे रिलेट कर लो थर्मिक थर्म मीन्स हीट एंड एक्जो मीन्स आउट तो जब हीट बाहर की तरफ प्रोडक्ट बनाते टाइम इवॉल्व होती है रिलीज होती है एक्सो एंडो बोले तो इन मतलब यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी हीट एंड दैट इज़ वेन मी कॉल इट एज एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम लोग को एक स्मार्ट तरीका बताती हो आंसर एग्जाम्पल्स के लिए एंडोथर्मिक में जितने भी थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जितने भी तुमने थर्मल डिकॉम्पोजिशन पढ़े हैं उन सबके एग्जाम्पल्स को एंडोथर्मिक में चिपका दो वही सेम एग्जाम्पल्स से जैसे कि लेड नाइट्रेट को हीट करा तो क्या बना लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस जिंक ऑक्साइड में हीट डाला तो दैट कन्वर्ट्स एंड डीकम्पोजेज इंटू जिंक जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा दैट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई और बहनों तुम्हारे पास भर भर के एग्जाम्पल है जस्ट प्ले स्मार्ट सो so, एंडोथर्मिक बोले तो वेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब जिसमें वैपोरेशन भी हो गया फोटोसिथिस इनफैक्ट मेल्टिंग ऑफ आइस ऑल ऑफ दीज एंड इसके साथ साथ जितने भी सर्मल डी कम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उन सब के एग्जाम्पल्स चिपका दो एक्सो मींस हीट एनर्जी इज बीन रिलीज जब बाहर निकलती है रेस्पिरेशन इज वन सच एग्जाम्पल जो तुम रोज करते हो चौबीस सौ घंटे तो ये तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए इट्स डेफिनेटली अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लोजन हो गए कंपोस्ट फॉर्मेशन जब भी हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है दैट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड इज एक्जोथर्मिक ये भी कोई बात पूछने की है सुबह शाम तुम यही कर रहे हो वाई इज एक्जोथर्मिक हीट रिलीज होती है इसीलिए एग्जोथर्मिक लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉरी आंसर uh, के अंदर यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल यू हैव टू राइट द रिएक्शन टू मेक दिस वेरी डिफरेंट एंड अंडरलाइन योर की वर्ड तो यहाँ पे द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज ऑबियसली बेस्ड अपॉन एनर्जी तो जब भी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाहर क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है राइट right? अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होगा एनर्जी कम होती जाती है जब माउंटेनियर्स ऊपर की तरफ जाते हैं एंड दे लैक ऑक्सीजन तो उनको डिल्यूजन होने लगता है एनर्जी उनकी कम हो जाती है ब्रेन काम करना बंद कर देता है कम कर देता है सो दिस हल्यूसिनेशनस होते हैं राइट सो ऑक्सीजन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड

ओके नेक्स्ट वाई दाई आर डी कम्पोजेशन रिएक्शन कोर ऑपोजिट टू दैर ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शन सिंपल सी बात है अगर आप इसका जनरल रिएक्शन देखो जनरल रिएक्शन फॉर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेन टू और मोर रिएक्टेंट्स माई दैट गिव्स यू सिंगल प्रोडक्ट ए बी है ना तो यहाँ पे ए प्लस बी गिवस यू ए बी जनरल रिएक्शन अगर हम लोग डी का देखें तो इन दैट केस अंगल रियक्टन वप चप चॉप ब्रेक डाउन इन टू सिंपलो प्रोडक्ट्स है ना थोड़ा थोड़ी परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे ए बी गिव्स यू ए प्लस बी तो क्या तुम्हें ऑपोजिट नहीं लग रहा है ऑपोजिट है सो दैट्स वाई इट इज़ अ ऑपोजिट रिएक्शन इसलिए हम इसको ऑपोजिट कहते हैं एक एक एग्जाम्पल चिपकाओ यहाँ पे But it has to be a balanced chemical equation. So this is for a decomposition where two reactants are prepared from uh, two products are prepared from one reactant and uh, you have a combination ka where two reactants are combining and giving you one single product. So I hope.

थर्मल डिकम्पोजिशन जब तक इनको सनलाइट नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे और जब तक आप इनको एक पर्टिक्युलर रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी कंडीशनल रिएक्शन बहुत कंडीशन है इसके नखरे हैं सो so, यहाँ पे ए बी को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जब हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं फोटो लाइट एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं electrolytic decomposition डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल हीट के अंदर देखो डिकॉम्पोजिशन ध्यान रखना आप लोग यहाँ गड़बड़ कराते हो कई लोग ना यहाँ पे uh, दो रिएक्टेंट वाले बनाए थे विच इज़ अ सिली मिस्टेक आपको पता होता है बट यू मेक दैट मिस्टेक अन सो बी वेरी केयरफुल Calcium carbonate heat करा gives you uh, products, then AgCl that will be only in presence of sunlight. ऑफ सनलाइट हर एक रिएक्टेंट का अपना स्पेसिफिक कंडीशन होता है अब तुम्हें कुछ आगे लाइक तुमने अपनी कोई कंडीशन रखी कि मम्मी मुझे ये टी शर्ट पसंद आ रही है या मुझे ये साइकिल पसंद आ रही है तुम अपनी कंडीशन थोड़ी ना बदलोगे नहीं बदल सकते ना सो so, जो चाहिए वो चाहिए that's it so your calcium carbonate gives you uh, that has been provided with heat decomposes give you simplified product aise agca ko sirf sunlight chahiye similarly water only needs electricity to decompose and give you simplified forms of product okay. आगे बढ़ने से पहले घर में जिद मत करना किसी भी चीज़ के लिए Okay. That's uh, a lesson. <laughs> What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation uh, for these reaction. देखो displacement होता है एक धक्का, double displacement होता है दो धक्का. ठीक है, तो displacement में एक को हटाने का है, double displacement में आपस में position exchange करना मांगता है. So A reacts with B C. A का reactivity अगर B से ज्यादा होगा, kicks out. फ्रॉम इट्स प्लेस बी बाहर बचा कौन ए सी दैट्स डिसप्लेसमेंट डबल डिसप्लेसमेंट क्या हुआ ए बी रिएक्ट्स विद सी डी और सी को ए की जगह पसंद है ए को सी की जगह पसंद है जो लोग जो तुम स्कूल में करते हो है ना मैम गई नहीं और अपनी पोजिशन्स तुम लोग बदल लेते हो सीट्स बदल लेते हो और पूरा दिन दूसरे टीचर्स के तुम लोग फूल बनाते रहते हो कि हाँ मैम हमें तो मैम ने बिठाया था ओके, सो दैट्स व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू ए डी प्लस ए सी की जगह एंड दैट गिव्स यू नेक्स्ट इज सी बी, दैट्स डबल डिस्प्लेसमेंट विथ एग्जांपल, सो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर व्हाट यू हैव टू राइट एक्सचेंज ऑफ एंस ये आपका कीवर्ड है डिस्प्लेसमेंट के अंदर यू हैव टू गो विद मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव वाला दैट विल बी योर कीवर्ड विथ एग्जाम्पल्स सो so, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ वेर एम जी हेज़ डिसप्लेसड हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप लोग देखो न्यूट्रलाइजेशन भी दे सकते हो कोई पंगा नहीं है आप यहाँ पे लिख कर आओ एन एच विद एच टू एस यू फोर तो भी चलेगा भाई यहाँ पे हाइड्रोजन एन ए की जगह ले लेगा फॉर्म्स एच ओ एच एंड एन ए हाइड्रोजन की जगह ले लेगा एंड दैट गिव्स यू एन ए टू एस यू फोर तो एक वही गाल है दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है बट एक में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और एक में प्रेसिपिटेशन हो रहा है दैट्स दी ओनली डिफरेंस बाकी आपकी मर्जी होगी कि आपको कौन सा देना है आंटिल एंड आनल्स क्वेश्चन स्पेसिफाइज फॉर इट क्वेश्चन आस्क फॉर इट ओके गाइज टेक अ डीप ब्रेस यू कैन ऑलवेज पॉज वेट वीडियो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आराम से बट डू नॉट मेक मिस्टेक्स ठीक है नेक्स्ट इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वॉल्व डिसप्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर तो इसको सिल्वर की रिकवरी करनी है किससे करेगा सिल्वर की रिकवरी कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होगा AgNO3, ठीक है एंड विल डिस कॉपर इन वॉल्व बाय कॉपर देखो डिसप्लेसमेंट बाय बाय कॉपर मेटल तो ये डिस्प्लेस होगा हो भी सकता है ना क्यों नहीं हो सकता कॉपर का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है सिल्वर से तो भाई कॉपर में बहुत दम है सिल्वर को किक आउट करने के लिए धक्का देने के लिए सो so, कॉपर ने धक्का दिया सिल्वर की रिकवरी हो गई सिंपल कॉपर नाइट्रेट यू एन ओ थ्री हो दिस इज योर आंसर अलॉन्ग विद डैट यू हैव टू बैलेंस इट टू ए जी एन ओ थ्री एंड ए

राइट तो अगर रिएक्शन में इनसॉलेबल सब्सटेंस बनता है विद एडिशन ऑफ टू एक्विज सोल्यूशन कईयों को ये बात की क्लैरिटी नहीं होती है तो सुन लो जब आपके पास दो एक्विस कंपाउंड दो एक्विस्ट मेटल सोल्यूशंस जुड़ते हैं दैट गिव प्रेसिपिटेट uh, ये हमेशा आपको एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस देगा विच इज़ अ प्रेसिपिटेट सो यू ऑल नो दी एग्जाम्पल्स हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करे जहाँ पे ए जी एन ओ थ्री इट इज एक्विज़ देखो के सी एल विच इज अगैन एक्विस, तो दो मेटल सोल्यूशंस है एक्विस एक्विस में दैट गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट विच इज़ वाइट एंड इनसॉल्युबल पार्ट विद वन मोर सब्सटेंस विद वन मोर कंपाउंड विच बिकम एक्विज So the solid substance is known as a precipitate and this is actually a double displacement reaction. Clear boss? Chali public. So moving on to our next question, you have to kill it. Come on, let's kill it.

ठीक है ऑक्सीडेशन में एड ऑफ ऑक्सीजन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट चलते एक दूसरे के तो अगर ऑक्सीडेशन में एड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा ठीक है बट दे आर फोकसिंग ओनली अपॉन गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो उतना ही दो जितना पूछा है ज़्यादा नहीं हम ज्यादा नहीं करेंगे सो so, यहाँ पे इन रिडक्शन इट विल बी अ लॉस एंड इन ऑक्सीडेशन इट विल बी अ गेन ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर क्या कर रहा है ऑक्सीजन गेन कर रहा है क्या होगा कॉपर ऑक्सीडाइज होगा किस में कॉपर ऑक्साइड में सो so, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो कॉपर इज द वन हू गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड सिमिलरली मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज इन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है फॉर रिडक्शन अगर आप देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक इट्स अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन कौन कर रहा है जिंक ऑक्साइड तो जब सारी मेहनत जिंक ऑक्साइड कर रहा है तो क्रेडिट भी तो उसी को जाना चाहिए ना तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू जिंक सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर की जर्नी देखो ऑक्सीजन गुम गया है तो मीन्स इफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट कॉपर ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन जब ये रिडक्शन कर रहा है तो यही है जो रिड्यूस होगा नेक्स्ट वन बहुत सारे क्वेश्चन है भाई तुम तो बस करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ और शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि सी बी एस ई के सबसे फेवरेट एंड लवेबल क्वेश्चन आते हैं एक्स वाई जी फॉर्म में और वो देता है देता है हर साल तो तैयारी रखना है इसकी और शाइनिंग ब्राउन कॉलो ब्राउन कलर का ऐसा कौन सा सब्सटेंस एलिमेंट है एक्स दैट इन हीटिंग विद एयर बिकम्स ब्लैक इन कलो विल दैट बी कॉपर इज दैट राइट कॉपर ही होगा क्या कॉपर ही होगा सो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे दैट गिव्स यू ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड दैट वाज एक्चुअली शाइनी ब्राउन कलर ऑफ कॉपर रिएक्शन को बैलेंस करना मंगता है बॉस सो आई होप इट इज क्लियर सो एक्स इज योर कॉपर तो अलग से लिख के आएंगे एक्स इज कॉपर एज एन एलिमेंट विच गिउंडक् वी हैव रीच टू दार्ट जहां पर तुम लोग होमवर्क लेके जाओगे सेशन का प्रसाद है तुम लोगों को ग्रहण कर लो भाई दैट इज ऑक्सीडाइज इन दॉलोइंग रियक्शन कहा लगता है बाबू कौन ऑक्सरडाइज हुआ है जाने डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड स्टिल इफ यू वॉन्ट एनी थिंग टू बी एक्सप्लेन डू लेट मी नो दैट इज वेल एंड फिर हम देखेंगे इफ यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर यू एज वेल सो डू नॉट फिगेट टू जॉइन टेलीग्राम लिंक एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड fun videos thank you so much guys this is me raj those deva signing off thank you have a nice time stay safe stay happy always in liye shubhchhati do press subscribe button as well as uh, share comment and uh, yeah to spread love okay thank you guys bye take care